क्या हो रहा है यहाँ? देखिए झूला लगा हुआ है, किसको किसको झूलना है बताइए। कौन झूल रहा है झूला में? देखिए कौन झूल रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम मरीना। मनी मरीना मरीना। ओ एक मिनट, स्वीटी भी इसका नाम। देखिए हेयरबैंड लगा के, अरे माला भी पहनी है, वाह माला भी पहना दी, अपना हेयर बैंड भी लगा दिए और इसका नाम रखा गया है मरीना। अच्छा दो दो नाम है, स्वीटी भी। ठीक है खेलो, आराम से खेलो। अब मैं चलती हूँ काम करने अपना, ठीक है? बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया है और अब मैं आयशा के नहाने की तैयारी कर रही हूँ। घर में सभी लोग नहा चुके हैं, बस आयशा नहीं नहाई है। वो खेलने में बिजी थी, आपने देखा कि उसने झूला लगा रखा था और अपने डॉल के साथ खेल रही थी, तो खेलने में बिजी थी तो उसने नहाने से भी मना कर दिया था। उसने बोला था मम्मी जब मैं खेल लूँगी उसके बाद ना आऊँगी, तो फिर मैंने भी उसको फोर्स नहीं किया नहाने के लिए। वैसे भी आज संडे है तो स्कूल वगैरह तो जाना है नहीं, सारा दिन घर पर ही रहना है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं आराम से इसको बाद में नहा दूँगी जब मेरा सारा काम हो जाएगा। तो अभी देखिए मेरा सारा काम हो चुका है और ये भी खेल लिए, तब मैं जा रही हूँ इसको नहा दूँगी। तो इसको नहाने के लिए देखिए मैं मुल्तानी मिट्टी खोल रही हूँ, जब मैं इसको सर से नहाती हूँ ना तो फिर मैं मुल्तानी मिट्टी से इसको नहा देती हूँ। अब ऐसे तो फिर साबुन से ही नहाती हूँ। इसके सर में ना बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ होता है, इस वजह से इसके सर में मुझे मुल्तानी मिट्टी लगाना पड़ता है। शैम्पू भी लगाती हूँ लेकिन कभी कभी लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं मुल्तानी मिट्टी ही लगाती हूँ, इस वजह से मैं बहुत सारा मुल्तानी मिट्टी मंगा के रखी रहती हूँ। पता नहीं कि उसके सर में इतना ज़्यादा डैंड्रफ होता है, मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ तब तो सही रहता है, थोड़ा सा भी डैंड्रफ नहीं होता इसके सर में। अगर लगाना छोड़ देती हूँ तो फिर इसके सर में डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है, जैसे मैं हमेशा मुल्तानी मिट्टी इसके बालों में लगाती हूँ। बस जब इसका मन हो जाता है ना शैम्पू से नहाने का तो फिर लगा देती हूँ कभी कभी शैम्पू भी, तभी देखिए मैं मुल्तानी मिट्टी से इसको लगर लगर के नहा देती हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैंने आयशा के पूरे सर पे मिट्टी लगा दिया है और अब जो मिट्टी बच गया है उसको मैं इसके पूरे बॉडी पे लगा दूंगी, इससे बॉडी भी बहुत अच्छे से साफ हो जाती है और मिट्टी से नहाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ना आयशा अंदर से कुछ पूछ रहा था तो उसी को मैं बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। और आयशा यहाँ पे इसलिए नाराज थी ना कि ये बोल रही थी कि मम्मी हम लोग नहा के मार्केट जाएंगे क्या, तो मैं बोल रही थी नहीं अभी नहीं जाएंगे शाम को जाएंगे, तो इसी वजह से नाराज हो रही थी, बोल रही थी नहीं नहा के हम लोग मार्केट चलेंगे, तो मैं इसको मना कर रही थी कि अभी नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे ना तो फिर धूप बहुत ही ज़्यादा लगेगी, शाम को जाएंगे तो धूप नहीं लगेगी, तो इसलिए नाराज़ हो रही थी। तो फिर मैं इसको हंसा रही थी तो इसलिए देखिए यहाँ पे हंस रही थी वो, और ये बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाती है, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी जल्दी जल्दी ये नाराज़ होती है ना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा ये नाराज़ होती है। बाकी फिर मैं इसको मना लेती हूँ, अभी देखिए इसके पूरे सर को मैं अच्छे से धो देती हूँ। मिट्टी से नहाने में यही दिक्कत है ना कि इसको धोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अब बाकी अगर आप साबुन शैम्पू से नहा रहे तो फिर जल्दी ही छूट जाता है, लेकिन मिट्टी जल्दी छूटती नहीं है और वैसे भी मिट्टी चिकनी होती है तो बहुत ही टाइम लगता है इसको छुड़ाने में। तभी मैं इसके बालों को अच्छे से धो देती हूँ और इसको फिर अच्छे से नहा दूँगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैंने आयशा को नहला दिया है और ये यहाँ पे तौलिया ओढ़ के बैठ गई है, और अब मैं बालकनी में कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। आज ज़्यादा कपड़े नहीं है इस वजह से मैं यहीं पे डाल देती हूँ सूखने के लिए, अगर जो ज़्यादा कपड़े होते तो छत पे चले जाती सुखाने के लिए, लेकिन आज कपड़े बहुत ही कम थे तो मैं यहीं पर डाल देती हूँ सूखने के लिए।
सभी कपड़ों को बालकनी में सुखने डाल दिया है और अब मैं आयशा को भी कपड़े पहना के तैयार कर देती हूँ। लेकिन अभी मैं मार्केट नहीं जाऊंगी, बच्चों को लेकर शाम को ही जाऊंगी। अभी धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है तो अभी जाना सही नहीं रहेगा, शाम को जाना सही रहेगा। लेकिन आयशा मान नहीं रही थी, वो बोल रही थी अभी चलना है, इस वजह से देखिए नाराज़ बैठी थी। लेकिन मैं बोल रही थी कि शाम को चलेंगे, शाम को फिर मैंने इसको मना लिया जाने के लिए, तो ये मान गई फिर। और अभी मैंने इसको कपड़े पहना दिए हैं और अब मैं इसके बालों में कंघी कर देती हूँ। लेकिन इसके बाल ना भी गीले थे तो कंघी ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब मैं बाद में कर दूँगी जब सूख जाएंगे तो। और अब मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल ली हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं नेल पेंट लगा रही हूँ अपने पैरों में। हवा यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही थी तो मैं सोचा यहीं पे बैठ के लगा लेती हूँ। और आलता भी लगाऊंगी साथ में, इसलिए मैंने आलता भी उठा कर ले आया है, तब ये मैं लगा लेती हूँ अपने वीडियो में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने पैरों में नेल पेंट और आलता दोनों लगा लिया है। और इस वीडियो भी यहीं समाप्त करती हूँ, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।